नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में ऑल फीमेल कैंडिडेटों के बारे में। तो दोस्तों, यह जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, यह 4 डेटों में संपन्न कराया गया था। पहली शिफ्ट थी 18 जून को हुआ, दूसरा हुआ यहाँ पर 19 जून को, तीसरी 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। इन 4 डेटों पर यहाँ पर एग्ज़ाम संपन्न कराया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सबसे पहला जो 18 जून को पेपर हुआ था, यह काफ़ी टफ पेपर था। और इसके बाद जितने भी यहाँ पर 19 जून, 25 और 26 जून को जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुए थे, यह बिल्कुल इजी लेवल के होते गए। यानी कि पहला हार्ड, सबसे हार्ड 18 जून का, फिर उससे कम हार्ड 19 जून, फिर थोड़ा कम 25 जून, सबसे ईजी था 26 अक्टूबर का। यहाँ पर सबसे ईजी पेपर एग्ज़ाम था, यानी कि पेपर का पैटर्न था। तो दोस्तों, इसलिए जो अलग अलग डेटों पर अलग अलग नंबर वालों के यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, और कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के को मेंटेनेंट करने के लिए यहाँ पर नंबर इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यही इसी के कारण हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट में कितने नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 18 जून की। दोस्तों, 18 जून को जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो दोस्तों यदि आपके 165 नंबर यदि आप आ रहे हैं फीमेल कैंडिडेटों के, तो दोस्तों आप इनमें कम से कम यहाँ पर 16 से 18 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। कितने? 16 से 18 नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकते हैं किसके? 18 जून के 16 से 18 नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकते हैं, और आप यह कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे इतने नंबर में, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, पूरा पूरा चांस है इतना कि यदि आपके 18 जून को 165 नंबर के प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग 90% यहाँ पर कंफर्म मान के चलिए। और दोस्तों, यहीं पर बात करते हैं पर 19 जून की। तो दोस्तों, यदि आपके 19 जून को जो पेपर हुआ था उसमें आपने एग्ज़ाम दिया था और आपके 168 नंबर प्लस हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके 12 से 15 नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही। कितनी? 12 से 15 नंबर आपके 19 जून को भी बढ़ सकते हैं। यानी कि हर दिन एक से नंबर नहीं बढ़ेंगे, 18 जून को ज़्यादा बढ़ेंगे, 19 जून को जो हुआ था उसमें थोड़े कम बढ़ेंगे, और 25 जून अक्टूबर को जो हुआ था उसमें थोड़े और कम बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए जो अलग अलग पैटर्न हाई लेवल या फिर हार्ड लेवल की वजह से यहाँ पर नंबर को इंक्रीज़ किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 19 जून को जो पेपर हुआ था उसमें यदि आप पे 168 नंबर आते हैं, तो आप यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए कि आप पे 12 से 15 नंबर इसमें इंक्रीज़ हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप यह 181 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपन 25 अक्टूबर की। दोस्तों, 25 अक्टूबर में यदि आप एग्ज़ाम दिया था और आप पे 174 प्लस आपके आ रहे हैं वो फीमेल कैंडिडेटों के, कितने? 174। दोस्तों, यह जो कट ऑफ है केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिला कैंडिडेट जितने हैं उनका मैं आपको यह बता रहा हूँ दोस्तों। तो उन लोगों ने यदि आप 25 अक्टूबर को जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था और 174 प्लस यदि आपके नंबर हैं, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपका यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म ही हो जाए, क्योंकि 25 अक्टूबर के यहाँ पर 7 से 8 नंबर बढ़ने वाले हैं। लगभग 7 से 8 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं 25 अक्टूबर को। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर 26 अक्टूबर की, तो 26 अक्टूबर में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं उनको काट के, जब नॉर्मलाइजेशन होता है जो प्रक्रिया भी उससे भी करते हैं, जैसे यहाँ पर 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, आपके एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस हिसाब से नंबर माइनस करके और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके नंबर को इंक्रीज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके 26 अक्टूबर हुआ था इसमें नंबर हार्ड या टफ लेवल की वजह से तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हैं उसकी वजह से नंबर, एक दो नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के जो यहाँ पर मैंने नंबर बताए हैं, यदि आपके इतने नंबरों के समथिंग यदि आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप दौड़ करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि दौड़, यदि आप दौड़ नहीं रहे या फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अधिकतर फीमेल कैंडिडेटों का यही हाल हुआ है कि वह यहाँ दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाई हैं और वह यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। तो दोस्तों, यदि आप के इन के नंबरों के आसपास नंबर हैं, तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल 10 दिन का भी आपके पास टाइम मिला हुआ है फिजिकल के लिए, तो यदि आपका यहाँ पर नाम आ जाता है तो आप अपनी रनिंग कंप्लीट करके और अपनी नौकरी प्राप्त कर सकें। ठीक है,
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ भी आपके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है यूपी पुलिस से संबंधित या फिर स्टडी से रिलेटेड सब आप तक आसानी से उसको पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।